Welcome to Time News Studios. You are watching 12 AM Bulletin. आज मुल्तान का ये जलसा और जम्मे गफी देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड 19 से पहले कोविड 18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। दो सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। कोविड 18 इमरान खान मुल्क जो सब का वो वायरस है। आवाम इमरान खान जो लॉकडाउन करण वारो है। मरियम नवाज जी वजीर आजम से चिट्ठी तनकीद। मुल्तान में जलसे के खिताब कदे मरियम नवाज चयो त बस सिलेक्टर्स हुकूमत की नाकारा बणियल बस के धिको नहीं रहा हैं। अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट ते वेठो है। असो अलमियो है जो असा दुश्मन भी कमजफ मिलो है। मरियम नवाज चयो त पीडीएम फैसलो करण वारी है। आवाम से वायदो है त मसलन दुखियान में निकरण लाइ जेल भी वञणो पियो त हलिया वेंदासीं। छा केर परवेज़ मुशरफ के एक ॾींहुं भी जेल में कैद रखी सघियो? छा कंहिंमें एतिरी हिम्मत आहे जो मुशरफ के ॾेह वापसि आणे सघे? मरियम नवाज चयो त वालरल कश्मीर के नरेंद्र मोदी की झोली में विझंदड़ हाणे इसराइल की मुहिम हलाए रहा आहिनि। आवाम पुछी रहियो आहे त इसराइल की हिमायत में मुहिम केर हलाए रहियो आहे ऐं छा सिलेक्टेड ऐं सिलेक्टर्स इन मुहिम जे हवाले सां बि हिकु पेज ते आहिनि? इंतजामिया जी रुकावटन बावजूद पीडीएम मुल्तान में पावर शो करण में कामयाब। घंटा घर चौक जलसेगाह में तब्दील। शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की न्याणी आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत में एंट्री। मुल्तान में जलसे के खिताब कदे आसिफा भुट्टो चयो त आवाम फैसलो ॾेई छॾियो आहे त सिलेक्टेड के हाणे वञणो पवंदो। आसिफा भुट्टो आवाम के अपील कई त MRD जीअं पीडीएम की तहरीक में बिलावल भुट्टो जरदारी जो साथ रहियो। असांजे भाइरनि खे गिरफ़्तार कयो वियो त पीपल्स पार्टी जी हर औरत जिदोजहद लाइ तयारु आहे। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ जो आज इस सिलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है। इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। साथियों, इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारा भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं और आपके साथ रहूंगी। हुकूमत के लगे तो धमकियन का डिजी वेंदासीं। जंग जारी है। 13 दिसंबर के लाहौर वारो जलसो हुकुमरान के ताबूत में आखिरी कोको साबित थींदो। जेस तई इमरान खान मुल्क छड़े भजी न वे संदस पीछो करणो है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान चयो है तो सजो आवाम लाहौर रवानो थींदो। हुकूमत रस्तो रोके ॾेखारे आवाम खेन बोड़े छड़ींदो। असां रुगो डंडो ॾेखारियो आहे। असांखे चिड़ न ॾियारियो। आलमी नाजाइज़ एजेंट्स के मुल्क मथां मरण न ॾींदासीं। मुल्तान में काकुरनि ते तशद्दुद ख़िलाफ़ सॼे मुल्क में जुमे ऐं आचर ते मुज़ाहिरनि जो ऐलान। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद ते चढ़ाई जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। ऑपोज़िशन खे लॻे थो त जलसनि सां हुकूमत ख़तमु थी वेंदी। इहा सननि भुल आहे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज़ मुल्तान जलसे ते रद्द अमल ज़ाहिर कंदे चयो त पीडीएम वारा 150 जलसा बि कनि पर हुकूमत जा हिकु वार बि वंगो न थींदो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शिबली फराज़ चयो त अवाम अॼु बि इमरान खान जे पोयां मज़बूती सां बीठल आहे। ऑपोज़िशन इक़्तदार जे हवस जी बीमारी में मुबतला आहे जंहिंमां हू जान चराए नथा सघनि। एक अच्छी बात है वो शहबाज शरीफ ने की है कि वो डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग होने चाहिए और फजल रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजल रहमान साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बंद गली में मत दाखिल हों। पाकिस्तान में जब सियासत बंद गली में दाखिल हो जाती है फिर हादसा जन्म लेते हैं। जब हादसा जन्म लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि
नतीजा कैसे क्या निकलेगा। एंड एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। अगर सियासी ड्राइवर गलत ड्राइविंग करेंगे तो सियासी हादसात के इम्कानात हैं। और अगर आप समझते हैं कि जलसों से इमरान खान जा रहा तो कहीं नहीं जा रहा। सुठी गाल है तो शहबाज शरीफ डायलॉग चाहे तो मौलाना फजल रहमान घणो अगते वनी रहो है। वफाकी वजीर शेख रशीद चवा है तो सियासी ड्राइवर गलत ड्राइविंग कन तो हादसा जन्म वठना। फजल रहमान के सलाह दींदस तो बंद घिटी में न वे, बी सूरत में हादसा थी सकन था। ऑपोजिशन के जलसन से इमरान खान केदा भी नींद। वजीर अजम इमरान खान नैब एनआरओ का सवाए बन समूरन मामलों से गाल तैयार है। रावलपिंडी में मीडिया से गालाइंदे शेख रशीद चे तो पाकिस्तान के सरहदों में को भी खतरो ना है। आलमी साजिश तहत मुल्क के अंदरूनी डफेड़ जो शिकार कह पे वे। माजी में हुकूमत के निच भी इंदी हुई तो इदारा चवंदा हुआ तो जुकाम थो है। अज हुकूमत कैंसर सटियल है पर इदारा चवन था मामूली बुखार है। नवाज लीग अगवान एहसन इकबाल चवा है तो नैब इमरान न्याजी की फरमाइश से जे केस ठाया उहे मजाक बन जिया। एहतसाब के नाले से लतीफा ठाया वन था। सिक्योरिटी इदारन के चूं था तो हुकूमत जो हथियार न बणजन। सिक्योरिटी इदारन के सियासतदारन पोयां लगाया वो तो दहशतगर्दन के छूट मिली वी। अगोणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी चवा है तो ओपोजिशन के जलसन से सिलेक्टर्स सिलेक्टेड के खौफ वी वो है। आवाम के तकलीफन जहा जिम्मेवार भी उई हैं। आवाम जो इदारन मथा एतमाद खजी वो है। इदारा पैंजी आइनी हदन में रही कम कंदा आई बियन इदारन के कमन में मुदाखलत बंद थी तो मुल्क तरक्की कर। अगोणो वजीर आजम मीर जफरुल्ला जमाली हयात है वेंटिलेटर से है। सदर आरिफ अलवी गलत जान तहत संदस फौतगी वो ट्वीट हटाए छो। सदर आरिफ अलवी नए ट्वीट में चाहिए मीर जफरुल्ला जमाली के खानदान से माजरत क्या तो अल्लाह ताला मीर जफरुल्ला जमाली के जल्द सेहतियाब करे। मीर जफरुल्ला जमाली रावलपिंडी के अस्पताल में दाखिल है। हुकूमत डीजल महंगो कर छो। चार रुपये की वाद बाद डीजल जो फी लीटर अग 105 रुपया 43 पैसा थी वो। पेट्रोल गासलेट और लाइट डीजल जो कीमतों सागियों बरकरार रखी वह नोटिफिकेशन जारी। जामशोरों की सियासत में नौ मोड़। मलिक खानदान से ताल्लुक रखंदड़ पीटीआई अगवान मलिक नादिर खान और मलिक पहाड़ खान सरदार पीपीएमपीए सरदार मलिक असद सिकंदर से इख्तिलाफ खत्म कर छड़ा। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखंदड़ सरदार मोहम्मद सालिब भुतानी की जाती कोशिशों से बिन्हीं खानदानों में ठा थी वो। सियासी राजनी इख्तिलाफन सबब मलिक नादिर खान और मलिक पहाड़ खान मलिक असद खान नाराज थी। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कई हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के दिफा बारे वजीर की मुलाकात। बितरफन लागापन इलाकई सिक्योरिटी और दिफाई सहकार वधाने ते ख्याल छेवट। आर्मी चीफ इलाकई तोड़े आलमी फोरम से समूरन अहम मामलों के पाकिस्तान की भरपूर हिमायत से चीन जहा थोरा मनिया और पाक फौज चीन से मजबूत लागापन जो कदर करे थी। बई मुल्क एक बे से गड बीठल। चीनी वजीर इलाकई अमन और सीपेक मनसूबन महफूज माहौल दियण लाय पाक फौज कोशिशों की वाखाण कई। बिन्हीं मुल्क विच में दिफाई सहकार वधाण लाय मुफाहमती याददाश्त नामे से भी सही कई वह। सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला की नैब चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल से मुलाकात। सलीम मानवीवाला नैब के रेफरेंसेज और इल्ज़ाम बाबत खदशन जो इजहार किया। नैब चेयरमैन तरफा सलीम मानवीवाला जहा खदशा खत्म करने की खातरी। मुलाकात बाद मीडिया से गालाइंदे सलीम मानवीवाला है तो नैब धमकियों दे मानुन के प्ली बागन से मजबूर कर रो है। नैब खिलाफ जिदोजहद जारी रही। दौड़ भर से अगवा जानायल गोठ नजीर कोराई वासी गोठाने इसहाक हाजाणो ए संदस 10 साल की धी सनम के वारसन का 30 लख रुपया भुंग तलब। वारसन दायों वाहे तो इसहाक हाजाणो साणन मिलन लाए जाम साहब अची रो हो तो रस्ते तंखे धी समेत अगवा किया वो है। धाड़ेलन फोन कर 30 लख रुपया भुंग घुर है। भुंग न दियण की सूरत में बिन्हीं के नुकसान पहुंचाने की धमकी दिनी है। एनसी दाखिल होने बावजूद दौड़ पुलिस का भी कार्रवाई अमल में ना आंदी नोटिस वी खेन बाजियाब कराए वे।
हैदराबाद में बारह नियग दोस्ती न रखा तेजाब हमले में जख्मी कल नौजवान जा जख्म नासूर बणजी व्या जवाबदार आजम आराई गिरफ्तार न थो मुतासिर नौजवान गुलाम मुस्तफा जट इंसाफ की घुर आई जी सिंध और डी जी रेंजर्स का नोटिस वठण जो मुतालबो रिपड़ी वेझो कारें तकरार तां बिन धुरन में झेड़े दौरान फायरिंग में नौजवान हाकिम कलहोड़ो मारजी वो टे जना जख्मी वाके बाद धुरन विच में छिकताण तेज मकतूल जो लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल पुलिस जवाबदार की गिरफ्तारी लाए असरायती कार्रवाई करण बदरा रिवायती कार्रवाई में रुधल खैरपुर में गुजरियल ढी आबघात सबब फौत जानायल नींगरी के पी ते के ज्यापी की कोशिश दौरान कतल करण जो इल्जाम पुलिस जवाबदार कुड़ल गोपांग के गिरफ्तार कर वरतो कुड़ल गोपांग समेत टिन जणन खिलाफ केस दाखिल नींगरी की माँ साहिब खातू इल्जाम हयो आहे त गुजरियल ढी संदस मुड़स नशे में धुत थी मासूम न्याणी सां ज्याती की कोशिश कई मुजाहिमत से खेस घुटा ॾेई कतल कर छो काफ़ी सख्त कह सकते हैं आप ये एक टेस्ट था मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए नहीं जो मेरे दोस्त भी थे उनके लिए बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी तक हम ये याद रखेंगे चार तो पकड़े गए हैं इंशाल्लाह बस एक ही बाकी है वो भी जल्दी बस पकड़ा जाएगा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ का तो मेरे ख्याल से उनके पास ऑप्शन भी नहीं है और उन्होंने किया भी मुझे अभी तो हमने फंड रेज किए हुए हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि लोगों ने हर जगह से हर तरह से मतलब हेल्प करने की कोशिश की है अगर मेरी ट्रीटमेंट हो जाती है और सब कुछ सही हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं बस फिर कराची में दुआ मंगी के अगवा वाले वाक़े के एक साल गुजरण बावजूद केस जो मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ में ना आयो वाक़े में जख्मी थियल दुआ मंगी जो दोस्त हारिस सुमरो माजूर बणियल सरकार सरहदी वारन के परडे मां इलाज लाए सहायता की अपील हारिस सुमरो इलाज लाए फंड्स गड करण वाली मुहिम में खेन बेहतर मोट मिली है परडे में इलाज दौरान घट में घट $40,000 खर्च इंदो टाइम न्यूज़ से गालहाइंदे हारिस सुमरो अगवा वाक़े जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार थियण घुर्जे मामले के सौदेबाजी करण जो सवाल ही पैदा न तो थे आऊं ऐं दुआ अगवा वारो वाक़ो सारी जिंदगी न विसारे सकंदासीं टंडोभागो में सिंध एकता लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जारी 22वीं मैच में ज़करिया क्रिकेट क्लब उमरकोट 7 विकेट्स तां कामयाब आफा क्रिकेट क्लब कासमाबाद टीम के शिकस्त उमरकोट टीम के रांदीगर शाहजेब के मैन ऑफ द मैच जो अवार्ड दिनों वो मुखे मारो भली रतु हारो भली मामरी थो सघा सिंधु मरणी ना ओ सिंध मुझी जिंदवा सिंध में मुझो साहवा सिंधी मानू सोना जोर पक्षिन में जण आहिन मोर सिंधी टोपी अजरक वारा प्यारा प्यारा सुहन सदा पया सिंध में हर सिंधी जो हुदो इहो हर मानवा ओ सिंध जा सिपाही वो सिंध पई सहे सूर अचो सिंध बचायो ओ भली सूलियत पवे चहणो मुझी सिंधड़ी तब मोहना मोड़ी दुश्मा सिंध जो थाए न सिंध में रहले था सिंध में साओ को न सहले था मुझे हवाले हिफाजत यार रब मुझे हवाले हिफाजत यार रब सिंध का दुश्मन धार रख जा वाला सानी या मकानी सिंध का बेड़ा पार रख जा आई टाइम न्यूज ए पेंजी अखबार के सर से एकता दिहाड़ो मल्हाण जो तैयारियों जारी 6 दिसंबर से कौमी काज मल्हाण ला जागृता तकरीबन दौरान गीतन ए रक्स से सिंध अमर के भेटा पेश
सिंध के नंढन वडन शहरन में कराची सिंध है जे सिरे हेठ एकता जो रिहाड़ो कौमी जोश जज्बे से मल्हाण के अज़म जो इज़हार ॾियारो आहे ईद जीअं मल्हाईंदा आहियूं हूअ असांजो ॿ ईदूं हूंदियूं आहिनि पर सकाफ़ती जॾहिं खां ई ऐलान थियो आहे ॾियारे जो तॾहिं खां असांजूं टे ईदूं थी वियूं आहिनि ॾाढे पुरजोश नमूने सां मल्हाईंदा आहियूं नवां नवां कपिड़ा वठंदा आहियूं अजरकूं टोपियूं वाकई ही जो ढी है 6 दिसंबर के ईद का घट को अस दोस्त असे घर के भाती भरपूर तैयारी कई है जो सखाफती दिहाड़ो भरपूर नमूने से मल्हाईंदी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ सां गॾु आहियां ताहिरा वज़ीर।